नमस्कार दोस्तों, प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन विकराल होती जा रही है और हमें कई गंभीर बीमारियों का शिकार बना रही है। इसको ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे असरदार उपायों के बारे में जिन्हें आप अपने रोज़ की दिनचर्या और आहार में शामिल कर प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभाव से खुद को बचाए रख सकती हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, अक्सर लोग प्रदूषण से बचने के लिए साधारण कपड़े का बना मास्क का प्रयोग करते हैं, जो कि हमें कुछ हद तक प्रदूषण से बचाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरी तरह से प्रदूषण से बचने के लिए हमें फिल्टर वाला मास्क का प्रयोग करना चाहिए। प्रदूषण से बचने के लिए सिर्फ हमें अपने शरीर को बाहर से बचाने की ही ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमारे शरीर का अंदर से भी ख्याल रखना और सफाई करना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप रोज़ाना ये नुस्खे अपनाकर प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। दोस्तों, नीम प्रदूषण के दुष्प्रभाव को कम करने में सहायक होता है। ये हमारे शरीर में मौजूद जर्म्स और बैक्टीरिया को मारता है और हमारे शरीर की अंदर से सफाई करता है। अगर संभव हो तो प्रतिदिन नीम की 3-4 पत्तियां खाएं, या फिर अगर आप नीम को ऐसे नहीं खा सकते हैं तो 4-5 नीम की पत्तियों को थोड़े से पानी में 10 मिनट उबालकर ठंडी हो जाने के बाद रोज़ाना सुबह खाली पेट पिए। इससे आपका शरीर और खून साफ होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होता है। दोस्तों, गाजर में मौजूद बीटा कैरोटीन भी प्रदूषण से हमारा बचाव कर सकता है। इसके लिए आप रोज़ाना गाजर का जूस या इसका सलाद का सेवन कर सकती हैं और कई गंभीर बीमारियों से अपना बचाव कर सकती हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं कोई नई वीडियोस अपलोड करूं तो आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।